नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। शनिवार को रीवा कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में योग का भी कार्यक्रम रखा गया था। इस पर कलेक्टर इलैया राजा टी, अपर कलेक्टर इला तिवारी, SDM फरहीन खान, तहसीलदार RP त्रिपाठी और योग गुरु प्रदीप मिश्रा व कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसके साथ ही कमिश्नरी कार्यालय के अधिकारी भी योग में शामिल हुए। इस दौरान रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि प्रतिदिन योगा करने से मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हम सभी को प्रतिदिन योग व्यायाम करने चाहिए। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह भी किया गया और रीवा कलेक्टर ने शपथ दिलाई। समाज के सभी व्यक्तियों को नशे से दूर रहने की भी बात कही गई। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित किया गया है, किस प्रकार से क्या उद्देश्य? ये उद्देश्य कलेक्ट्रेट में जितने भी कर्मचारी हैं उनको उनके स्वास्थ्य को देखते हुए आज कलेक्टर साहब ने आयोजन किया गया है और साथ में उनका स्वास्थ्य शिविर का भी चेकअप डॉक्टरों के द्वारा कराया जाएगा। तो कलेक्टर महोदय का ये निर्देश था कि हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं बहुत सारा वर्क होता है और हर कर्मचारी किसी न किसी बीमारियों से पीड़ित है, तो वो सिर्फ योग के माध्यम से ही वो स्वस्थ रह सकते हैं। वो अपने ऑफिस का वर्क ऑफिस में बैठ कर योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और निरंतर अपने कार्य को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए वो योग को अपनी दिनचर्या में लगातार रोज ढालेंगे और रोज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और काम भी अच्छा कर पाएंगे। तो उनकी इस योग एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर जो है कलेक्टर कार्यालय में कर्मचारियों को कराया गया था और मैं योग प्रशिक्षक प्रदीप मिश्रा। ये हम लोग हर बार है ना कलेक्ट्रेट का संधारण संचालन कर्मचारी कल्याण समिति के ना मीटिंग करते हैं, तो हम लोग लगातार है ना हमारी कर्मचारी है ना काम भी कर रहे हैं। इसमें बीच में हम लोग ने महसूस किया कि हम लोगों को एक हेल्थ कैंप को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। हेल्थ कैंप के साथ साथ हमको फिजिकल एक्सरसाइज और योगा है आजकल ना ज़रूरी है और हमारे देश है कि मतलब पूरा दुनिया के लिए योगा को ना अभ्यास के बारे में ना बताया है, सो हम लोग है ना रोज हमारी लाइफस्टाइल में इसको कैसे इंक्लूड किया जाए। और हमारी कर्मचारी बहुत सारे लोग ना पहले से योगा कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने छोड़ दिए होंगे या कुछ लोग डिसकंटिन्यूड वे में कर रहे होंगे, सो उन लोगों को वापस एक बॉडी माइंड है ना के बीच में एक बैलेंस है ना लाना है, उसके लेकर है ना हम लोग ने आज योगा और हेल्थ शिविर आयोजित किए हैं। अब योगा शिविर का क्या, हमारे योग प्रशिक्षक हैं उन सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से कौन सी चीज़ें हम लोग है ना डेली कर सकते हैं सिर्फ उसके बारे में ध्यान रखते हुए आज ना योगा का अभ्यास कराया गया है। उसके साथ आज डॉक्टर्स टीम भी है कि सारे लोगों का एक स्वास्थ्य परीक्षण भी हो जाएगा, सो हमारी कर्मचारी अपना क्षमता को और बढ़ाते हुए ना जनहित में हम लोग है ना अधिक काम कर सकेंगे। ये तो हमारी है ना डेफिनेटली हमारा ये भी है कि हमारी कर्मचारी के माध्यम से हम लोग है ना सारे योजना को ना संचालित करते हैं, सो हम लोगों का कर्मचारियों का वेलफेयर भी है ना एडमिनिस्ट्रेशन के ना ध्यान में है। सो सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि एक ना फिट इंडिया मूवमेंट ऑलरेडी चली रही है, सो सभी लोग है ना फिजिकल एक्सरसाइज करें। एक वॉकिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, आप ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज है ना खेल नहीं सकते, तो डेली है ना रोज एटलीस्ट वॉकिंग है ना करें। उसके साथ साथ है ना एक सिंपल है ना योग अभ्यास है वो हम लोग है ना रोज करेंगे तो अपने आप में बहुत सारे है ना बीमारी है, अभी लाइफस्टाइल डिजीजेस काफ़ी हो रही है, ब्लड प्रेशर है और शुगर है, कोलेस्ट्रॉल, इसके एक इट्स नॉट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, एक दूसरे से नहीं फैलती है बट एक्चुअली अपने आप में इतना सारे तनाव के कारण ये कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ते जा रही है, तनाव के कारण है ना ब्लड प्रेशर बढ़ रही है, फिर देन शुगर, फिर पूरा है ना बॉडी सिस्टम पूरा अफेक्ट होता है। सो हम लोगों को एक फिजिकल एक्सरसाइज और योगा दोनों को बैलेंस करते हुए रोज है ना अभ्यास करना चाहिए, यही है ना मेरी है ना रीवा की सभी नागरिक से अपील है कि आप अपना लाइफ को सुकून बनाएं एंड ये सिंपल है ना योगिक प्रैक्टिसेस हैं उसको अपनाएं और आप भी तनाव मुक्त रखें, मतलब है ना दूसरे को भी है ना एक तनाव मुक्त वातावरण का है ना देने का है ना प्रयास करें। खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।